तो अभी एस सी डेविड्स में अभी मैंने एंट्री ली है यहाँ से, और यहाँ पे साइकिल स्टैंड है, अगर आप परचेज करते हो जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे अपना बाइसिकल जो है वो पार्क कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पर भी हमारे स्पेस है, यू कैन सी कितना बड़ा एरिया है, ये स्टूडेंट्स के लिए है पूरा, और ये पूरा एरिया है कैंपस का उनका। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने के लिए हैं। चलो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो राहुल इज़ हेयर, तो अब राहुल हमें दिखाने वाले हैं कि क्या है एरिया। तो इस एरिया का बोलते हैं क्लब एरिया है, हब एरिया। चलो ये है आपका, जहाँ पे आप सब आ सकते हो जिसके पास एससी डेविड का पास है। ये पूरा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे अपना कोई भी म्यूज़िक वगैरह यहाँ पे आके आप लगा सकते हो। एंड पूल एरिया है, दे हैव टेबल एरिया है, तो अगर आप आ रहे हो अपने साथ तो चिल मार सकते हो दोस्तों के साथ यहाँ बैठ के। और अंदर भी इनका पूरा रूम है, चलो आपको अंदर से दिखाते हैं। तो राहुल के पास एक्सेस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे आके आराम से अपने दोस्तों का चिल मारना तो कर सकते हो, अलग से पूरा रूम है। तो ये पुराने ज़माने की जैसे गेम होती थी उस टाइप की कुछ गेम है। इसके बाद अब हम एंट्री करने वाले हैं जिम एरिया में, तो फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा है यहाँ पे इन्होंने, और ये है आपका जिम एरिया। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे वेट्स भी हैं काफ़ी, तो इतना एरिया है। दो मैट भी हैं अगर योगा पिलाटिस वगैरह कुछ करने हो, एप्स वगैरह की प्रैक्टिस के लिए। तो जिम एरिया के बाद अब हम बाहर आए हैं। ये है सामने हमारा लॉन्ड्री एरिया, और एक लॉन्ड्री एरिया पीछे भी है जैसे मुझे राहुल ने बताया। तो अभी कोई आप देख सकते हो शायद कोई अंदर कपड़े धोने में लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राहुल यहाँ पे कुछ अलग से तो पे नहीं करना ना लॉन्ड्री के लिए, सब कुछ इंक्लूड है ना? नहीं, लॉन्ड्री के लिए पे करना। कितना? कोई कार्ड होता है। अच्छा, तो कार्ड्स हमें वहाँ से समथिंग 2-3 pounds का होता है। ओके, तो जब पे कर देते हो कार्ड मिल जाता है, फिर कार्ड स्वाइप करना। तो हर बार 2-3 pounds लगने हैं जब भी धोना है। तो लॉन्ड्री बहुत महंगी है यहाँ पे। हाँ, तो लॉन्ड्री अपने कपड़े धोने हैं तो 2-3 bounds हर बार देने पड़ेंगे। किसी का आज हैप्पी बर्थडे है, चलो आपको दिखाते हैं विंडो के अंदर किसी ने लगा रखा है आज राहुल की पार्टी है। चलो अब हमने ब्लॉक सी को क्रॉस करा है, सामने है ब्लॉक एफ की बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने ट्रैश वगैरह अपने सब रखे हुए हैं, और अब हम देखने के लिए जा रहे हैं अदर एरिया। तो राहुल ये सामने क्या है? अच्छा भाई, जिस काम के लिए आए हो बेसिकली वो तो करनी है स्टडी, तो स्टडी का चलो आपको दिखाते हैं अंदर से। तो ये है स्टडी रूम, थैंक यू। तो ये डी ब्लॉक है, सामने एफ ब्लॉक है, मतलब काफ़ी सारे इनकी बिल्डिंग्स है। और अब हम जा रहे हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन देखने के लिए। यहाँ पे 139 pounds के अंदर आपको सब चीज़ फैसिलिटीज़ मिल जाती है एक्सक्लूडिंग लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री का अगर आपको है कि लॉन्ड्री का क्या प्राइस है, तो मैंने जैसे अभी बताया था कि लॉन्ड्री के आपको पे करने पड़ेंगे 2-3 pounds हर बार। चलो ऊपर चलते हैं। चलो अब ये हम स्टूडेंट का रूम दिखाने वाले हैं अंदर से, कितना स्पेस आपको मिलने वाला है। तो ये हॉल है, कॉमन हॉल है, और अभी हम जाने वाले हैं राहुल के साथ उसके रूम में। तो कोई सही सीन नहीं है जैसे राहुल ने बताया, आके अंदर पार्टी कर सकते हो। तो ये है कॉमन किचन, ये भी अच्छा है कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से हर फ्लोर के ऊपर उनकी किचन्स हैं, तो ये किचन एरिया में आप आके आराम से बना सकते हो।
तो यहाँ पे आपका ओवन है, केटल है गर्म पानी की, और शायद ये कुकर वगैरह कोई इंडियंस वाला लाए होंगे हमारे जैसे, अदरवाइज कुकर तो यहाँ मिलने नहीं वाला। और यहाँ पे डस्टबिन, आपका माइक्रोवेव और दो फ्रिज है, ऊपर से दिखाएंगे राहुल जी। सफिशिएंट स्पेस है, कोई भी आराम से अपनी चीजें रख सकता है। तो अगर आप, हम जैसे इंडियंस ज़्यादा कुकिंग करते हैं, और यहाँ पे बैठ के आराम से खाया भी जा सकता है, कोई इसमें कद्दूकस भी रखा हुआ है। जो सामान है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सामने है ट्रेन स्टेशन, ट्रेन रुकी हुई है अभी साथ में, और आगे माउंटेन एरिया है, नीचे से कार्स वगैरह जा रही हैं, बहुत अच्छा व्यू रूम है। अब हम जा रहे हैं, तो देखो ये स्टूडेंट का है, तो ये है जैकेट टांगने के लिए आपको स्पेस। ये एक अलमीरा है, मिरर, ये आपका चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह है, ये आपका इतना बेड है, दो बंदे भी आराम से सो सकते हैं फिर भी, और नीचे स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे अपना सामान जो भी आप एक्स्ट्रा लाते हो उसको रखने के लिए। तो ये ड्रॉर्स हैं, और ये लैपटॉप वगैरह आप रखो, राहुल कैटर इसने मुझे बताया था, वो लेके आया था अपने साथ। और ये थोड़ा सा स्पेस इन्होंने ऊपर दिया हुआ है अपना रैक रखने के लिए, और ये अलमीरा है, अलमीरा काफ़ी बड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेस काफ़ी है इसके अंदर, इवन ऊपर भी थोड़ा बहुत अटैची वगैरह रख सकते हो, नीचे भी अब आराम से स्पेस है, पीछे भी स्पेस है, तो स्पेस की तो मुझे कोई टेंशन नहीं लग रही स्टूडेंट की। गाइस बेडशीट वगैरह आप कैरी करो, राहुल ये अपने साथ लेके आया है बेडशीट, उसने ब्लैंकेट भी उसने खुद ही यहीं से लिया है, तो ये सब आपको चाहिए होगा जब आप आओ, तो ये चीजें कैरी करके। तो क्विल्ट वगैरह यहाँ पे आपको चाहिए, जैसे गुरप्रीत ने बताया आपको चीप पॉइंट देखने पड़ेंगे, जैसे अभी मुझे इन्होंने बताया राहुल ने 10 pounds में खरीदा राइट, और जो कवर है वो भी 10 pounds में ही है, तो 10 pounds के अंदर ही आपकी क्विल्ट है, 10 pounds का ही उसका कवर भी पड़ने वाला है। ये व्यू है यहाँ से विंडो का, सामने जैसे मैंने अभी दिखाया था वो सेम ट्रेन है, माउंटेन। तो ये है ठीक है, तो ब्लैंकेट अगर आपको है तो ले लो, ऐसे अंदर तो देखोगे आप तो सब निक्कर पहन के घूम रहे हैं, शॉर्ट्स में हैं या अपना टी शर्ट वगैरह में पहन के घूम रहे हैं, बाहर के लिए जैकेट चाहिए। अभी भी हम आए थे बहुत तेज हवा चल रही थी, थोड़ा कोल था हाथ वगैरह के लिए, तो ग्लव्स वगैरह यहाँ पे चाहिए, बट जैसे ही अंदर आते हैं बहुत गर्मी है, मतलब अगर आप टी शर्ट पहन के घूमो नॉर्मल जैसे आप समर्स में पहन के घूमते हो, तो अंदर बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको ठंड नहीं लगने वाली। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा ठंड के ज़्यादा कपड़े मत लेकर आओ, और अपना जैकेट वगैरह दो आई थिंक सफिशियंट है, उससे ज़्यादा के जैकेट आप मत रखो, बिकॉज आपको जहाँ पे भी जाओगे यू नीड टू रिमूव दैट। हाँ अगर आप कहीं पे ऐसी जगह वर्क कर रहे हो जो थोड़ा ओपन एरिया में है, तो शायद आपको बाहर के लिए भी जैकेट चाहिए होगी, अदरवाइज इतना ज़रूरी नहीं है, जैकेट रखो अच्छी वार्म जैकेट बाहर के लिए, आई थिंक दैट्स बेटर। और बाकी आप अपने साथ समर की चीज़ें ला सकते हो, तो अभी हमने जिम भी एक देखा यहाँ पे, GD जिम पास में है, तो अभी तो अंदर है स्टूडेंट्स के लिए, अगर बाहर कोई जाना चाहता है जिम वगैरह, बहुत अच्छा स्पेस था GD जिम के अंदर, तो वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें थी, तो वो वीडियो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। गाइज राहुल ने मुझे दो चीज़ें बताई है कि जब वो बुक कर रहा था उसको दो चीज़ों में प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे कि उसने जो पेमेंट दिया था उसे लगा था कि जब मैं पहुंचूंगा मुझे उसी टाइम से पे करना है, बट क्या हुआ था राहुल? तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा था तब वो कुछ पोर्टल का कुछ सीन था, अच्छा। कि जो जहाँ से मैंने बुक किया, मैंने यूनिको से बुक किया था, तो उसमें पोर्टल में कुछ सीन था, तो उनका गलती की वजह से मैं यहाँ पे आने वाला था 20th of Jan, बट मेरा टीनिंग से स्टार्ट हो गया 12th of Jan से, तो वही सीन हो गया, तो मुझे यहाँ पे आने के बाद भी वो चेंज करने के लिए रेडी नहीं थे, एंड आई वाज लाइक थोड़ा हेल्प कर दो। तो कितने दिन का आपका लॉस हो गया, कितने पाउंड का? मेरा 139 pounds का लॉस हो गया था, पूरा का पूरा। हाँ बट मैं फिर अभी 2 weeks के बाद फिर से एक रिसेप्शन गया, बात किया, okay. तो उन्होंने बोला वो ट्राई करेंगे कि फिर से मतलब मेरा टीनेंसी 20th से स्टार्ट करें, तो अभी तक वैसे प्रॉब्लम नहीं है, बट कंफर्मेशन नहीं हुआ अभी, कंफर्मेशन नहीं। या और दूसरा क्या था जो आपने बताया? हाँ दूसरा ये था कि जब मैं इंडिया से आ रहा था तो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट ये देखा था कि अभी बुक करोगे तो फ्री बस पास मिलेगा, अच्छा। तो बट मैं वो देख के एक्चुअली यहाँ पे बुक किया था सेंट डेविड्स में, यहाँ से तो दूर ही है अकोमोडेशन, मतलब सॉरी यूनिवर्सिटी, बट वही देख के तो यहाँ पे लिया, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि फुल एक एनुअली टीनेंसी ले हुए तो आपको बस पास मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो
तो आई थिंक जो एनुअल का पे करना है वो 5,000 या फिर नहीं, आई थिंक 9,000 pound समथिंग कुछ है जो आपको पे करना होगा। और अगर आप 41 वीक्स के लिए बुक करते हो तो आपको अराउंड 5,000 समथिंग पाउंड कुछ पे करना होगा। तो या तो आपको 52 pounds पे करने हैं या 52 वीक्स का बुक कर सकते हो या फिर 41 वीक्स का। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो या तो आप एक बार में पे करो इतना बड़ा अमाउंट, जो कि एक्चुअली 10 लाख रुपए आपको एक बार में पे करने पड़ेंगे, प्लस कन्वर्जन चार्ज, प्लस TCS जो आपको इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा यहाँ पे भेजने के लिए। तो इतना या तो आप वैसे करके करोगे, वरना बेटर ऐसे भी एक बस पास के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि वो तो निकल ही जाएगा आपका। एक अकोमोडेशन, राहुल ने मुझे एक चीज़ बताई जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि आप यूनिवर्सिटी से भी आपको बस पास मिलता है जो जो 145 pound का है, पर उसके अंदर से वही बसेस कवर होंगी जो आपके कैंपस में आती हैं, लाइक बस नंबर 4, 8, 9 एंड 10। तो यही जो आपके कैंपस, सिंगटन कैंपस से बे कैंपस के बीच में जो चलती हैं, वही से बसेस जो होंगी वो फ्री होंगी। बाकी अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बाहर जाना है, दोस्तों के आगे घूमने के लिए जाना है, तो उन हर बार आपको अलग से टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो ये माइनस पॉइंट है अगर आप लेते हो तो। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप आने से पहले कुछ ऐसी वेबसाइट्स वगैरह देखो यहाँ पे, जहाँ पे आपको इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइक वगैरह कुछ मिल जाए, आप बाइसिकल वगैरह कुछ ले लो, वो इजीली हो जाएगा। तो उससे आपके क्या होगा, पैसे बचेंगे। अभी मैंने जब देखा था, एक राहुल ने भी शायद उसी को देखा था, एक ने किसी ने डाला था यूके साइड पे, स्वांजी पे, कि जो बाइसिकल है कोई बेच रहा था अराउंड 80 pound में। तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो कि अगर बाइसिकल ले लो तो बचेगा, बट यहाँ पे मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो सकती है। अभी भी हम आए तो मौसम एकदम ख़राब हो गया, तो थोड़ा डर गए, अम्ब्रेला नहीं लाए या रेनकोट नहीं लाए तो क्या होगा। तो बट अभी तक तो मौसम ठीक है, राहुल बता रहा था कल यहाँ पे बारिश हुई थी और हम कल रात को यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमें तब से लेकर अब तक तो कोई बारिश नहीं दिखी, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो एक अच्छा रहा, बट देखते हैं आगे कैसे है। चलो गाइस, तो ये था पूरा टूर जो अभी हमने एसटी डेबिट में पूरा दिखाया, और वहाँ पे क्या बीच में स्कैम हुआ है, कैसे आपको उसका ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें थी। तो जब आप बुक कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाय बाय गाइस।